अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम चार हिस्सों में करेंगे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन आसान करने के लिए उसे और सात हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है भारत के उत्थान और पतन की कहानी या फिर सीढ़ी, और सातवां है गीता का भगवान। आज 12 अगस्त 2020, आज के मुरली में बाबा ज्ञान में परमात्मा, आत्मा, त्रिलोक और त्रिमूर्ति और सीढ़ी या फिर भारत के उत्थान और पतन की कहानी के ऊपर समझाते हैं। आज बाबा ने भक्ति मार्ग के रामायण, विषय सागर, शिवरात्रि ऐसे विषयों पर प्रकाश डाला। बाबा आज हमें विशेष याद प्यार देते हैं। हमें देवताओं से भी ऊंच कुल ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुल भूषण का टाइटल दे याद दिलाकर कि अभी हम भारत की बहुत ऊंच सेवा कर फिर पूज्य हीरे जैसा बन रहे हैं याद प्यार देते हैं। आज के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए, अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। ज्ञान, ज्ञान में पहले है परमात्मा। एक बाप से ही श्रीमत मिलती है, वे ही कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। हद और बेहद का कॉन्ट्रास्ट बाबा ही बतलाते हैं। वह ज्ञान के सागर सत्य चैतन्य है, वकीलों के वकील है जो सब झगड़ों से छुड़ाते हैं। शिव बाबा भी आत्मा है, परम आत्मा है, उनका भी इस ड्रामा में पार्ट है, हमको पवित्र बनाने का, रास्ता दिखाने का, वर्षा देने का। परंतु वह अजन्मा है, दिव्य जन्म लेते हैं, रात के समय आकर हमें दिन में ले जाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी का गायन उन्हीं के लिए है, अब आकर हमें भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। दूसरा है आत्मा। आत्माएं पार्टधारी होती है, हमारा ऊंचते ऊंच से नीचते नीच का पार्ट है, आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है। अभी सृष्टि चक्र का ज्ञान आत्मा में ही आता है। आत्माओं का घर परम धाम है, निराकार होते हैं फिर साकार ही बनते हैं। साकार बिगर आत्मा कुछ कर नहीं सकती, शरीर में भी आत्मा निकल जाए तो चुरपुर कुछ भी हो नहीं सकती। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पार्ट बजाती है, दिन में 21 जन्म फिर रात में 63 जन्म आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बी के भाई बहन हैं। अभी हमारे साथ ब्रह्मा भी परमपिता परमात्मा शिव के मत पर चलते हैं, वर्षा शिव बाबा से ही मिलता है। चौथा है सीढ़ी या फिर भारत के उत्थान और पतन की कहानी। इस समय कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दर बदर हो पड़े हैं, समझते हैं ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ही ऐसा है, जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी ही श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल कर दैवी धर्म भ्रष्ट दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं, सत्युग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने। अभी बाप पूछते हैं, तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाते हैं तो फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो? भक्ति मार्ग में तुम्हारा यह हाल हुआ है, ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते। अब बुद्धि में ज्ञान है तो समझते हैं, भक्ति के बाद होता है वैराग्य, तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला भी चाहिए। अब बाप आते हैं, समझाते हैं यह कब्रिस्तान है, इनको फिर परिस्थान बनना है। देखते रहते हो माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं, यह है सब गुप्त। फिर वह देवताओं और असुरों का युद्ध दिखाते हैं। अब लड़ाई तो यह एक ही है जिसके लिए बाबा हमें राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते फायदा कुछ नहीं, अभी हम सच्ची गीता और रामायण सुनाते,
एक राम सीता की बात नहीं थी। इस समय तो सारी दुनिया लंका है, चारों ओर पानी है, यह रावण राज्य है। एक बाप है ब्राइडग्रूम, बाकी सब है ब्राइड्स। वे फिर हमको रावण राज्य से छुड़ाते हैं, इस शोक वाटिका से छुड़ाए अशोक वाटिका ले जाते हैं, सतयुग में ले जाते हैं। बाप कहते हैं, सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल है, शोक की होटल है, खान पान मनुष्य का जानवरों मिसल है। अभी बाप हमको सच्ची सच्ची अशोक वाटिका में ले जाते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी है, फिर भी ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है। बाप कहते हैं, वास्तव में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाए, बाबा को तो शरीर भी नहीं। अभी है रात, जबकि शिव बाबा का दिव्य जन्म होता है, शिवरात्रि भी मनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ तब जब रात पूरी होती है, तो दिन बनाने आता हूँ। दिन में 21 जन्म, रात में 63 जन्म, आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है, योग। बाबा कहते हैं, घर को भी याद करो, अपनी राजधानी भी याद करो, अभी पाठ पूरा कर वापस घर चलना है। निराकार भगवानुवाच निराकार आत्माओं प्रति, माम एकम याद करो, याद से ही अपने एम ऑब्जेक्ट जैसा मीठा बनेंगे। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, मैं बाप का बच्चा हूँ यह नहीं भूलो। याद तभी रहेगी जब आत्मा अभिमानी होंगे, देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं होगी। धारणा, पहला, श्रीमत पर चल सुजाग बनना है, अच्छी रीति सुधरना है, श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कोई भी भ्रष्ट कर्म करके किसी को दुख नहीं देना है, जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चल, दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा, शुद्ध भोजन लेना है, अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछनी है। बाबा कहते हैं, अब जबकि योग बल से तुम राजा स्थापन करते हो, पति दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। नौकरी तो करनी है, घर में रहकर भी याद करना है। तीसरा, बाबा से आशीर्वाद कृपा आदि की उम्मीद नहीं रखनी है, उन्हें बुलाया ही था पतित से पावन बनाने, तो अब याद में रहना है। बाबा कहते, 8 घंटे याद रखनी है। चौथा, यह खुशी नशा रहना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, आंतरिक खुशी रहे कि बाप ने हमको एडॉप्ट किया है वर्षा देने। पांचवा, याद रहे कि हम गॉडफादर के बच्चे भाई भाई हैं, लड़ना झगड़ना नहीं है, लून पानी नहीं बनना है। सेवा, अभी बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना, चित्रों से समझा सकते हैं। अभी सच्ची गीता रामायण पता चली है तो सुनानी है, यह समझाओ कि तुम आत्मा हो शरीर नहीं, आत्माएं भाई भाई है, बोलो कि तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। वरदान, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव, कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वह बाप समान सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बन। स्लोगन, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है थारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है थारा, जो देती दुखों से।